मेरा मानना है। अभी सर एक राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है सर, जनता के हित में उसको लेकर। गरीब मीडिया वालों को मैं अपील करना चाहूंगा, आप भी लोग भी समझो डॉक्टरों को, सच्चाई क्या है, पब्लिक क्या सोचती है। ये स्वास्थ्य का अधिकार दिया हमने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, RTI, मां नरेगा, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट दिए थे। उसी ढंग से एक्ट बनाया है कि राइट टू हेल्थ, देश में पहला राज्य राजस्थान बन गया है जहां पर ये एक्ट बना है। सारे देश के राष्ट्रीय समाचार पत्र, हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे लिख रहे, संपादक लिख रहे हैं उनके पक्ष में। जनता को ये कॉन्फिडेंस बढ़ा, भाई बीमार हो जाएंगे तो कम से कम आपको पता 55% आप जो आमदनी होती परिवार की, ये सर्वे कहता है देश का 55% आमदनी परिवार की राजस्थान के अंदर भी वो जाती है खाली खर्चे के अंदर, आपके स्वास्थ्य के खर्चों में, हेल्थ के लिए। वो बच रही है उनकी, तो डॉक्टरों की खुशी होनी चाहिए। डॉक्टर का और मरीज का रिश्ता तो भगवान का है। नहीं, पर एक बात और है सर, आप ये नहीं मानते कि सरकार कहीं ना कहीं जनता को जो राइट टू हेल्थ बिल है उसकी खासियत को नहीं बता पाई, तो जनता एक्चुअली में जनता के पास मैसेज नहीं जा पाया इस बात का कि राइट टू हेल्थ भी उनके हित का है, उनके यूजफुल है उनके लिए। राइट टू हेल्थ नाम अपना अपने मैसेज है, स्वास्थ्य का अधिकार किसके लिए, जनता के लिए है, और सब ऑनलाइन देख सकते हैं। पर मैसेज जनता में नहीं है सर, ये जो जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं, क्योंकि हर डॉक्टर कम से कम हजारों लोगों से जुड़ा हुआ है, वो जिस तरीके से फीड कर रहा है आगे, उसी तरीके से बात आगे जा रही है। सरकार की बात उनके पास, आम आदमी के पास अभी फिलहाल नहीं जा पा रही। मेरा अपना पर्सनल अभी नहीं, हो सकता आपका हो, पर अभी हमने जनता से भी अपील करी है, बताया उनको विज्ञापन दे के, डॉक्टर से अपील करी मैंने, और अगर आपने सुझाव दिया मैं उस पर ध्यान रखूंगा कैसे इसको जन जन तक बताया जाए, क्योंकि जनता का ये अधिकार दिया उनको हमने। आपका इलाज फ्री होगा, बीमा है तो प्रीमियम हम भरेंगे, इलाज 5 लाख का, 10 लाख, 25 लाख तक इलाज फ्री होगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं ऐसा, चाहे दुनिया के मुल्कों में नहीं होगा। ओबामा केयर जो है शुरुआत अमेरिका के अंदर, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हमें तो गर्व है कि राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साथियों को मैं अपील करना चाहूंगा, अहम छोड़े, और ये जो कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करी है, जिन डॉक्टरों ने बात करी सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से खुल के बात हुई, जो जो सुझाव दिए हमने मान लिए, उन सब सुझावों को सब मान लिए। उसके बाद में 4-5 डॉक्टर के लिए गद्दार लोग थे, कैसे चले गए हमें पूछा क्यों नहीं, और वो RSS से संबंधित डॉक्टर है, बोलो RSS से संबंधित, मैं आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चे बता रहा हूँ आपको। 2 डॉक्टर आए थे दिल्ली से, मुझसे बात करके आए टेलीफोन से, तो मैंने कहा जाके मिल लीजिए आप फाइनेंस सेक्रेटरी से, अखिल अरोड़ा जी से, यहाँ मिले नहीं, बहानाबाजी करी, गवर्नर साहब मिले, चले गए वहाँ पर इनको भड़का करके, वो भी RSS के लोग हैं। तो RSS की एक लॉबी जो है वो बर्बाद कर रही है डॉक्टरों को, गुमराह कर रही है, और डॉक्टर गद्दार है, गद्दार के चक्कर में एक हो जाते हैं बेचारे, क्या करें, भले लोग हैं वो भी, प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग भी, सारे डॉक्टर वो सीनियर डॉक्टर थे, और कि इन्होंने अकेले बात कैसे कर ली, और नेतागिरी कर रहे हैं वहां पर। नेतागिरी का वक्त है क्या, लोग तकलीफ पा रहे हैं, अविलंब स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए, और जो उनकी समस्या अभी भी है, अभी तो कानून पास हुआ है, नोटिफिकेशन जारी होगा तब लागू होगा कानून, नियम कायदे बनने बाकी है, उसमें और उनकी कोई गलतफहमी दूर कर लेंगे हम लोग, और क्या कह सकते हैं हम लोग। डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे जो किसी भी चीज की कॉस्टिंग आ रही है, मान लीजिए किसी ऑपरेशन का कॉस्टिंग 50,000 है, तो गवर्नमेंट वहां पर उनको 10,000 पे कर रही है, उनका इस पर भी वो अलग मामला, चेंज योजना का मामला है जी। वो रेट का मामला, इसलिए सब डॉक्टरों ने या सब अस्पताल ने, किसी ने स्वीकार किया है वो पैकेज, किसी ने नहीं किया है वो हम बढ़ा देंगे, मान लो वो तो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इलाज करने का पैकेज का मामला है, उससे राइट टू हेल्थ का कोई कोई संबंध नहीं है। उसको रिलेट कर रहे तो वो नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो बिल बन गया, अब तो कोई आई का हॉस्पिटल है वहाँ पहुंच जाएगा इमरजेंसी के नाम पर, हार्ट वाला पहुंच जाएगा, हम कैसे इलाज करेंगे। तो इस प्रकार गलतफहमी पैदा करें जनता के अंदर, जो नहीं करनी चाहिए।